हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का प्रयोग हम किस प्रकार सी लैंग्वेज में करते हैं, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ जो कि सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या मुझसे कुछ सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंस किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे एक एग्जांपल के रूप में आपको इसकी थ्योरी क्लियर करता हूँ। मेरी एक फैमिली है, मम्मी पापा और मेरे भाई बहन और रिलेटिव है, ठीक है। ये तीन है। इनकी जो मैं सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी दूंगा, प्रियोरिटी दूंगा, वो किसको दूंगा, अपनी मम्मी पापा को। सबसे हाइयर है उनकी, फिर उसके बाद जो आएगी मेरे भाई बहन आएंगे, ठीक है, उससे थोड़ा लेस, उससे लेस जो आएगा वो आएंगे मेरे रिलेटिव, ठीक है। ये तीन आपकी मेरी प्रेसिडेंस, सबसे हाईअर मेरे मम्मी पापा होगा, उसके सबसे बॉटम में हो गए मेरे रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद बीच में जो मिडिल में है मेरे ब्रदर, तो ऐसे ऐसे क्रम बन गया, ठीक है, जो हमारी कहलाती है एसो प्रेसिडेंस। अब ये जो नंबर वन पर जो है प्रेसिडेंस है, नंबर हायर पे जो, उनमें से किसी एक का चुना आपका मम्मी पापा से, तो उस उनमें से एक का चुनने का जो तरीका रहेगा उसको हम एसोसिएटिव कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारे सी लैंग्वेज में कंपाइलर में जो पहले से रूल तय होते हैं एक ऑपरेटर में, कि सबसे पहले ऑपरेटर किसे चुनना है, फिर उसके बाद जो ऑपरेटर आए हैं उनमें से एक को हायर ऑपरेटर वाले जो चुना है उनमें से सबसे पहले कौन आएगा उसको एक है ना, तो उसको हमारा एसोसिएटिव कहते हैं। इसी तरह हमारे सी लैंग्वेज में तो पहले से डिफाइंड होती है, तो इसी को हमारे को लेकर आपको मैं अभी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। किस तरीके से हम करेंगे, चार्ट रहेगा इसका पूरा, आपको मैं समझाऊंगा अभी आपको। फ्रेंड्स, हम सी लैंग्वेज में किस प्रकार ऑपरेटर में प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव का यूज करते हैं उसका हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑपरेटर जैसे कि आप जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, इस तरह के मिस्क ऑपरेटर रहते हैं। तो इनमें क्या रहेगा फ्रेंड्स, एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ट अलग है, ये अलग है, तो समझाने के लिए एक चीज समझिए फ्रेंड्स, ऑपरेटर रहता है जिनमें सबसे पहले हमारे सी प्रोग्राम में किस प्रकार वो सबसे पहले किस ऑपरेटर को, अगर मान ली सब एक साथ आते हैं तो सबसे पहले किस ऑपरेटर को यूज करेगा, तो उसकी प्रायोरिटी जो रहेगी सबसे ज्यादा हाई किसकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिस मान ली सपोज के लिए मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर की सबसे हाई रखी है, फिर इसके बाद रिलेशन की आ रही है, इस तरीके से धीरे 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 करके फिर मिस्क वाले की सबसे लास्ट में, इस तरीके से हायर से बॉटम चलते हुए मिस्क आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटी रह गई है ना, हायर वाली कौन सी है अर्थमेटिक, लोएस्ट सबसे लोएस्ट मान लीजिए मिस्क है। तो इस तरीके से एक ऑर्डर सा बना रहता है, टेबल बनी रहती है। अब हायर अर्थमेटिक में आप जानते हैं जो हमारे फंक्शन होते हैं उनमें से बॉटम में से आपको उनमें से चुनना है, तो ये सेम लेवल वाले में से चुनना है, तो उसको एक एसोसिएटेड कहलाती है। उसका एक डायरेक्शन रहता है लेफ्ट टू राइट, जो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर आएगा उसके अनुसार वो काम करेगा, वो रहेगा डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, चाहे उनमें से कोई सा भी ऑर्डर हो, पांच हैं तो पांचों में से कोई सा भी हो तो लेफ्ट टू राइट चलते हुए यूज करना है, ठीक है। चार्ट में बिल्कुल अलग है, ये मैं एक समझाने के लिए समझा रहा था, ये मैं कुछ एग्जाम्पल है प्रोग्राम की, जैसे आप जैसे आपने यूज किया होगा वोडोमास का यूज करते हैं, सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई आता है फिर डिवाइड आता है, इस तरीके से ही सेम हमारे इसमें वर्ड रूल्स पहले से डिफाइंड होती है, ठीक है, सी लैंग्वेज, तो उसी के अनुसार वो काम करता है कंपाइलर। फ्रेंड्स, अब हम टिक टेबल बन देखते हैं जिसमें आपका पूरा चार्ट है, सबसे हायर पे कौन है और लोअर पे कौन है प्रेसिडेंस इनका, फिर एक एसोसिएटिविटी के बारे में बात करते हैं किस तरीके की एसोसिएटिविटी इनकी रहती है ना ऑपरेटर की। मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्ट, देखिए पैरेंथेसिस सबसे पहला आ रहा है, टॉप पर है पैरेंथेसिस और ये ब्रैकेट्स, ये सब एक ही लेवल पर, सबकी इनकी हायर है, ठीक है। आप देख रहे प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है आपका, इन पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये चारों, ये पांचों की इनकी जो प्रायोरिटी नंबर वन पर है ना, नंबर वन इसको बोल सकते हैं हायर है, और इनकी अगर ये पांचों में पांचों एक साथ आते तो सबसे पहले किसका यूज करना है वो, उसके लिए हम उसको कहेंगे पांचों अगर एक साथ आते सबसे पहले हमें किसका यूज करना है ना, हायर प्रायोरिटी के सबसे पहले अगर पांचों एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हमें जिसका यूज करना है उसको हम कहेंगे एसोसिएटिविटी, वो उसका अनुसार लेफ्ट टू राइट रहेगा, इनमें से पांचों में से अगर कोई भी सबसे पहले लेफ्ट में है तो उसका हम यूज करेंगे, ठीक है, उसका कंपाइलर यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट चले तो यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी हमारी उसकी रहेगी आप देख सकते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसके बाद प्लस माइनस अंडर एरे में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंप्लीमेंट का टाइप कास्ट, इनडायरेक्ट और डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, साइज ऑफ आ रहा है, ये इनकी इन सबकी ये पूरा बॉक्स दिख रहे हैं ना, तो इन सबका सेकंड नंबर पोजिशन पर रहेगा, ठीक है।
इसके बाद हमारा फिर हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये इसका भी ऊपर सेकंड वाले का राइट टू लेफ्ट, अगर ये दोनों यारा सेकंड वाला प्रायोरिटी वाला अगर एक साथ आता है उसका रहेगा राइट टू लेफ्ट। इन दोनों में साथ में सबसे पहले इसका यूज करना है, फिर स्क्वायर इसका यूज करना है। ठीक है, इस तरीके से यूज करना है, सबसे पहले हायर प्रायोरिटी पहले वाले की यानी पैरेंथेसिस की, फिर इसके बाद प्रीफिक्स इंक्रीमेंट वाले की सेकंड वाले की। ठीक है, और अगर इसके बाद फिर हमारा आता है मल्टीप्लाई और डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर, ये तीसरे नंबर पे आएगा, है ना। इसका अगर ये साथ में आता है तो सबसे पहले हम यूज करना होता है लेफ्ट टू राइट। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉडुलस तीनों एक साथ में आ गए तो सबसे पहले हमें, अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई पड़ता है तो सबसे पहले लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई, अगर सबसे पहले अगर मॉडुलस ऑपरेटर पड़ता है तो सबसे पहले मॉडुलस ऑपरेटर लेफ्ट में है तो उसका प्रयोग करेंगे एसोसिएटिविटी के अनुसार, इसी को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। इसी तरह प्लस माइनस हो गया, इसके नीचे आएगा चौथे नंबर पर हो जाएगा, फिर इसके बाद बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वाला, इस तरीके से पूरा चार्ट है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए रिलेशन ऑपरेटर आ गया यहाँ पर, है ना। रिलेशन ऑपरेटर में दूसरा पार्ट है उसका इक्वल टू वाला, नॉट इक्वल टू वाला। ठीक है, बिटवाइज आ गया एंड, ठीक है, बिटवाइज एक्सोर आ गया, ये बिटवाइज ऑपरेटर के आ गया। ठीक है, इसकी बिटवाइज में आ रहा है वो प्रायोरिटी पहले वाली इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी लोअर होती आ रही है। ठीक है, फिर हमारा आ गया लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, फिर हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर आ गया। ठीक है, टेंडरी ऑपरेटर आ गया, इस तरीके से हमारे ऑपरेटर सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कॉमा ऑपरेटर, सबसे लेस प्रायोरिटी जो रहती है हमारी कॉमा से हाइयर है, कॉमा से हाइयर है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके से रहता है। इनकी जो एसोसिएटिविटी आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट है कॉमा की, असाइनमेंट की है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और टेंडरी ऑपरेटर की है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बाकी मोस्टली सबकी लेफ्ट टू राइट है और कुछ दो तीन ही की है जिनकी राइट टू लेफ्ट। आई होप चार्ट समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो हाइयर प्रायोरिटी रहती है पहले सबसे पहले मॉडुलस ऑपरेटर और डिवाइड और मल्टीप्लाई की रहती है, उसके नीचे लेस जो होती है प्लस और माइनस की होती है। सबसे पहले हम जो अगर चुनाव करना होगा सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड और या मॉडुलस ऑपरेटर में से करना होगा, उसके बाद हम करेंगे जो प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, अभी हमारी ये एक्सप्रेशन आ चुका है, तीनों में सब मिक्स आ चुका है, तो सबसे पहले हमें चुनाव जो करना पड़ेगा ना, हाइयर प्रायोरिटी किसकी सबसे मल्टीप्लाई की, ठीक है, और डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में सबसे पहले मैं किसको चुनूंगा, हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, ये दोनों समान है सबसे पहले, ठीक है, जिनकी दोनों की प्रायोरिटी समान है तो सबसे पहले हमें लेफ्ट वाला जो है, अगर मान ली सपोज लेफ्ट में अगर हमारा लेफ्ट में अगर डिवाइड भी होता तो सबसे पहले मैं डिवाइड को चुनता, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो लेफ्ट में आएगा सेम प्रायोरिटी में तो सबसे पहले लेफ्ट वाले को चुनेंगे इस वाली कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, जो हमने उसमें चार्ट में देखा था। ठीक है, तो 20 × 140 हो गया। ठीक, अब 30, अब सबसे बाद हमें क्या करना है, अब बचा डिवाइड, तो सबसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 6 आ गया। ठीक, इस तरीके से भी करने के बाद अब क्या हो गया, -7 है। ठीक है, -7 आ रहे साथ में, अब इन दोनों अभी प्लस और माइनस किया सेम प्रायोरिटी है। ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी के लेवल जो सेम है, अब इसमें सबसे ज्यादा एसोसिएटिव किसकी रहेगी, इसमें भी लेफ्ट टू राइट रहेगी, तो लेफ्ट हमारा सबसे पहले क्या प्लस है, अगर माइनस होता अगर यहाँ पर तो माइनस करता। ठीक है, अभी फिलहाल प्लस है तो प्लस करूंगा। ठीक, तो प्लस के 146 हो गया, फिर इसके बाद हमारा माइनस करके जो रेट आए 129। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है एसोसिएटिव। एक और एग्जांपल और देते हैं, उससे और अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सॉल्व होगा पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। ठीक है, जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है सबसे पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसकी हायर प्रायोरिटी रहती है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, देखिए ये एक्सप्रेशन वैसा का वैसा उतर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल लिया मैंने जिससे आपको, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट भी लिया है ना, और जो हमारे जो ऑपरेटर है एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, एक डिवाइड ऑपरेटर, एक मॉडुलस ऑपरेटर, एक प्लस माइनस ऑपरेटर, ये हमने 6 ऑपरेटर यूज किए। इनका जो हायर प्रायोरिटी है सबसे पहले देंगे हम किसको देंगे फ्रेंड्स, आप देखिए सबसे पहले जो हायर प्रायोरिटी देंगे पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को देंगे, फिर उसके बाद जो हमारा जो सेम लेवल पर रहेगा वो रहेगा मॉडुलस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर, फिर तीसरे नंबर पर जो ऑपरेटर आएगा जिसको हम प्रायोरिटी देंगे सबसे कम प्रायोरिटी देंगे प्लस और माइनस को इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 आ गया। देखिए फ्रेंड्स, अब सब में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट और मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑपरेटर सब जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम लेवल का है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट से चलते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट में हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले 17 से देखेंगे, 17 में मॉडुलस ऑपरेटर आ रहा है, तो सबसे पहले मॉडुलस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं
मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने भाग दिए 17 का, भाग दिए 6 से, 6 दूनी 12, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या होगा, इसमें 12 गया और 17 से 12 गया तो 5 बचा, रिमाइंडर हमारा 5 बचा, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो सॉल्व करके जो हमारा आएगा रिजल्ट 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर फ्रेंड, अब लेफ्ट से ही चलना है ना, सारे ऑपरेटर सबसे पहले जो मल्टीप्लाई डिवाइड का जो सॉल्व करना है सबसे पहले लेफ्ट वाले करने है, ठीक है। तो इसलिए अब लेफ्ट वाला यूज ऑपरेटर यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल की प्रायोरिटी पर है, इसलिए सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिविटी अब देखिए 5 × 4 = 20 हो गया, फिर 20 का अब लेफ्ट में फिर से ये आ रहा है, इसी का डिवाइड करा तो डिवाइड कर दिया हमने 10 हो गया, ठीक। अब हम क्या इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, अब देखिए 10 + 10 हो गया, और उसके बाद आपका ये देखिए 10 होने के बाद ये फिर हम क्या करें मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने इसमें मल्टीप्लाई सीधे सॉल्व कर दिया, इसका सॉल्व करने है मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट में ये क्योंकि खत्म हो चुका है ना, 10 के बाद खत्म होने का, सीधे मल्टीप्लाई किया हमने 20 हो गया, यहाँ पे 20 आ गया, फिर डिवाइड ऑपरेटर बचा लेफ्ट में चलते हुए डिवाइड ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आएगा 10, फिर उसके बाद हमारे दोनों ऑपरेटर बचते सेम प्रायोरिटी पर प्लस माइनस, तो सबसे पहले हम लेफ्ट में जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट पर क्या है 10 को ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा एक शेष रहेगा ओनली माइनस, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस दोनों फ्रेंड्स। अब हम इंडिविजुअली हर ऑपरेटर की जो ऑपरेटर है उनकी जो क्रम रहेगा प्रायोरिटी क्रम रहेगा उसको समझ लेते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहले नंबर पर कौन सा ऑपरेटर आएंगे उनका क्रम जान लेते हैं, फिर ठीक है एसोसिएटिविटी भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक की ऑपरेटर है उसमें हमारे 5 ऑपरेटर रहते हैं, जैसे हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन डिविजन मोड और सब्ट्रैक्शन एडिशन, इन तरह जब इनकी प्रायोरिटी नंबर 1 की रहेगी, जो कि चार्ट में दे सकते हैं मल्टीप्लीकेशन की 1, डिविजन की 1 और मॉड्यूलस ऑपरेटर की 1 रहेगी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की 2 रहेगी, ठीक है। यानी पहले फर्स्ट ऊपर के तीनों की प्रायोरिटी लेवल सेम रहेगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रायोरिटी लेवल सेम रहेगा। अगर फर्स्ट नंबर वाली जो है आपकी मल्टीप्लीकेशन और डिविजन मॉड्यूलस तीनों अगर एक साथ आता है तो इनको चुनने का तरीका जो एसोसिएटिव रहेगी उनकी लेफ्ट टू राइट रहेगी। देखिए फ्रेंड्स अब रिलेशन ऑपरेटर में आते हैं, इनकी किस तरीके से इसके जो ऑपरेटर रहते हैं हमारे लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। इनकी एसोसिएटिव और प्रायोरिटी क्या रहेंगी वो हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर प्रायोरिटी हाई रहेगी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी जो प्रायोरिटी नंबर रहेगी चार्ट लेवल सेम पर रहेंगे 1 रहेगी, और सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी रहेगी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर इनमें से चुनना होगा अगर फर्स्ट एसोसिएटिव इनकी जो रहेगी लेफ्ट टू राइट रहेगी, अगर सब सेम लेवल पे फर्स्ट पे आते हो तो उनकी जो सुनने की कैपेसिटी हम जो चुनेंगे लेफ्ट टू राइट चुनेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम चुनेगा। और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में सेकंड नंबर पर अगर दोनों सेम आते हैं तो उसकी चुनने की जो एसोसिएटिव रहेगी लेफ्ट टू राइट रहेगी, इस तरीके से हम चुनेंगे फ्रेंड्स। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर किस प्रकार रहेगा। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा नॉट एंड और, ठीक है, इनके साइन ये रहते हैं। जो फर्स्ट वाला जो है नॉट का प्रायोरिटी लेवल 1 रहेगा, इसी चार्ट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल चार्ट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन चार्टों में इस तरीके से रहेगा, अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। एंड का सेकंड रहेगा और वाले का तीसरे नंबर पर रहेगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में और है और सबसे फर्स्ट में नॉट है, ठीक है, सेकंड एंड है, ठीक है। इसका तो लेफ्ट टू राइट रहेगा, इसमें ज्यादा वो लेफ्ट टू राइट की जरूरत ऊपर से नीचे में रहेगा अगर में आता है, ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे फ्रेंड्स। आई होप क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए बिट वाइज ऑपरेटर के जो चार्ट में रहेगा इनका प्रायोरिटी लेवल और एसोसिएटिव किस प्रकार रहेगी वो देख लेते हैं। देखिए इनका जो ऑपरेटर है हमारा 1 कंप्लीट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सोर, ठीक है। तो इसका जो पहले का ये 1 कंप्लीमेंट का है तो 1 रहेगा, या आप जो इसका जो साइन देख रहे हैं, है ना, और लेफ्ट शिफ्ट का सेकंड राइट शिफ्ट का सेकंड बिटवाइज एंड का थर्ड और बिटवाइज और का फोर्थ बिटवाइज एक्सोर का 5, तो इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। इसका लेफ्ट टू राइट रहेगा, इसका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में। फ्रेंड्स कुछ पॉइंटों पर हम नजर डाल लेते हैं किस तरीके से आपको बिटवाइज ऑपरेटर का कुछ पॉइंट है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेसिडेंस रहता है वो हमारा कॉमा ऑपरेटर रहता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उससे ऊपर आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, सबसे जो लोएस्ट रहेगा कॉमा रहेगा, उससे ऊपर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर।
अन एरे ऑपरेटर जो होता है हमारा सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस रहता है, जो आपने देखा होगा फंक्शन कॉलिंग के लिए लगते हैं वॉइड मेन के साथ जो लगाते हैं ब्रैकेट्स, और एरे के लिए हम जो यूज करते हैं ना वो ब्रैकेट्स, उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा साइज ऑफ जो होता है हमारा एक ऑपरेटर होता है ना कि फंक्शन होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है,